नमस्कार, मैं हुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के उद्यमियों के लिए अच्छी खबर, डेंगू के कहर के बीच चार विभागों के 15,000 कर्मी संभालेंगे मोर्चा। ऐप बनने के बाद शुरू हो जाएगा जातिगत जनगणना। बिहार को मिला एक्सप्रेसवे के सफर की सौगात। अगले आईपीएल सीजन में नीलामी पर्स की राशि में हो सकती है बढ़ोतरी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के उद्यमियों के लिए अच्छी खबर। बिहार के उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है, उद्योग विभाग ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन के तहत उद्यमियों के लिए एक खास व्यवस्था कर दी है। बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की जमीन पर उद्यमी अब सर्विस सेक्टर से जुड़े काम कर सकते हैं। दरअसल बियाटा से उद्यमियों ने जो जमीन उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए ली थी, अब उसका इस्तेमाल वह खुद सर्विस सेक्टर से जुड़े उद्यम की स्थापना के लिए सहजता से कर सकेंगे। दरअसल के औद्योगिक परिसर में बड़ी संख्या में उद्यमियों ने उत्पादन इकाई के लिए जमीन ली थी। उनमें ऐसे उद्यमियों की संख्या काफी है जिन्होंने या तो उत्पादन इकाई नहीं लगाई या फिर उनकी उत्पादन इकाई बीच में ही बंद हो गई है। इस वजह से उन्हें आवंटित जमीन बेकार पड़ी हुई है। ऐसे उद्यमियों के लिए अच्छी व्यवस्था है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे ललित नारायण मिश्रा की। ललित नारायण मिश्रा का जन्म 2 फरवरी 1923 को सहरसा जिले के बसनपट्टी गांव में हुआ था। वह मिथिला समेत देश के कद्दावर कांग्रेस नेताओं में से एक थे। ललित बाबू की अपनी मातृभाषा मैथिली से आगाध प्रेम था। मैथिली के साहित्यिक संपन्नता और विशिष्टता को देखते हुए 1963-64 में ललित बाबू की पहल पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे साहित्य अकादमी से भारतीय भाषाओं की सूची में सम्मिलित किया। अब मैथिली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में चयनित विषयों की सूची में सम्मिलित है। ऐप बनने के बाद शुरू हो जाएगा जातिगत जनगणना। बिहार में जाति आधारित जनगणना होना है जिसकी तैयारियां चल रही हैं। फरवरी 2023 तक यह गणना पूरा कर लेना है जो कि विधिवत तरीके से नवंबर दिसंबर से ही आरंभ हो सकता है। मालूम हो कि जातिगत जनगणना ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है, यानी कि यह काम हाइब्रिड मॉडल के आधार पर होना है। इसके लिए बेल्ट्रॉन की देखरेख में अभी पोर्टल और ऐप बनाए जाने का काम चल रहा है। बेल्ट्रॉन ने इसके लिए समय लिया है। ऐसी उम्मीद है कि नवंबर में पोर्टल एवं ऐप बनाए जाने का काम पूरा हो जाएगा। बिहार को मिला एक्सप्रेसवे के सफर की सौगात। बिहार में लगातार हाईवे 4 लेन पर काम किया जा रहा है ताकि बिहार को अलग अलग राज्यों और देशों से जोड़ा जाए, ताकि बिहार व्यावसायिक तौर पर मजबूत बने और लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग भी सुगम हो। इस बीच केंद्र सरकार ने बिहार को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अब पटना की सीधी कनेक्टिविटी मिल गई है। इसका फायदा यह होगा कि पटना से लखनऊ के रास्ते दिल्ली जाने में अब अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। केंद्र सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 17 किलोमीटर लंबे बक्सर सड़क को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सड़क 4 लेन में बनने और पूरी तरह से ग्रीन फील्ड होगी। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। सीएसबीसी परीक्षा में 250 से अधिक फर्जी परीक्षार्थी सहित मोबाइल ब्लूटूथ बरामद। बिहार में बीते दिन मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग 18 जिलों के 156 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन करवाया गया। इस दौरान भारी संख्या में परीक्षार्थियों को नकल करते पकड़ा गया। यही नहीं, कई परीक्षार्थियों के पास से मोबाइल और ब्लूटूथ भी बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 250 से अधिक अभ्यर्थियों को नकल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें भागलपुर से 78, बक्सर से 76, नालंदा में 40, गया में 30, पटना में 24, सिवान में 20 और अन्य जिलों में शाम तक की रिपोर्ट के आधार पर 24 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी की सूचना थी। हालांकि किसी भी जिले के DM द्वारा कहीं भी पेपर लीक आदि से संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई है। बिहारी जी मंदिर इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई ऐतिहासिक दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं जो आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है बिहारी जी मंदिर। बिहारी जी मंदिर बक्सर जिले में स्थित है और वहां भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर अपनी कला और संस्कृति के कारण सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यहाँ प्रार्थना के लिए बिहार और अन्य राज्यों में बहुत सारे भक्त आते हैं। बिहारी जी मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी अत्यंत उत्कृष्ट है। यह बक्सर जिले का एक दिव्य मंदिर है और अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है।
मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ाई गई तिथि। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर 2023 के परीक्षा फॉर्म की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब छात्र 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इसके लिए विद्यार्थियों को विलम्ब शुल्क 150 रुपये देना होगा। वहीं बिहार बोर्ड ने उन छात्रों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है जिन्होंने अभी तक बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ऐसे छात्र भी 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने में किसी तरह की दिक्कतें हो रही हैं तो हेल्पलाइन नंबर इंटर के विद्यार्थियों के लिए 0612223009 और मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए 0612223207 जारी किया गया है। तेजस्वी की 2-2 का अधीक्षक का निलंबन नहीं होगा वापस। एनएमसीएच का दौरा करने पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अस्पताल में चुरमराई व्यवस्था को देख एनएमसीएच अधीक्षक को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद से आईएमए ने सरकार को चेतावनी दी है कि अधीक्षक का निलंबन वापस ले, नहीं तो डॉक्टर्स हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव अपने फैसले पर अडिग हैं। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेने जा रही है। तेजस्वी ने सीधे तौर पर दिया है कि अधीक्षक का निलंबन वापस नहीं होगा और सरकार डॉक्टरों की जिद के आगे नहीं झुकेगी। आईएमए के अल्टीमेटम पर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी एसोसिएशन का काम होता है अपने लोगों के पक्ष को सरकार के समक्ष रखना। आईएमए को यह देखना होगा कि क्या वह गलत डॉक्टर के लिए भी सरकार पर दबाव बनाएंगे। बिहार के एसएसबी जवान के यूपी में संदिग्ध तौर पर गई जान। बिहार के एसएसबी जवान की उत्तर प्रदेश में संदिग्ध तरीके से मौत हो गई है। दरअसल सुपौल जिले के मेहासीमर पंचायत के सिंगियावन निवासी एसएसबी के हवलदार विनोद कुमार की मौत संदेहास्पद स्थिति में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। विनोद का शव बीते दिन पैतृक गाँव पहुंचा, जो अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मृतक के पिता ने बताया कि विनोद से शुक्रवार को ही बात हुई थी और विनोद ने कहा था कि दीपावली में वह घर आएगा और छठ के बाद वापस चला जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि विनोद को 1.5 साल का 2 जुड़वा बच्चा भी है। शुक्रवार को संदेहास्पद स्थिति में उसकी मौत होने की सूचना कमांडेंट ने दी थी। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में तैयार की जाएगी 5 भव्य गैलरी। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर स्थित प्रेमचंद गोलंबर के पास बन रहे एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में अलग अलग 5 विशाल गैलरी बनाई जाएंगी। गैलरी के डिजाइन को फाइनल कर दिया गया है। प्रत्येक गैलरी में 8 से 10 इंटरएक्टिव प्रदर्शन लगाए जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट कमेटी की ओर से फाइनल की गई गैलरी डिजाइन के लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा, जिसके बाद भवन निर्माण विभाग की ओर से गैलरी निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कुल 21 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है। भवन का निर्माण करीब 7 से 8 एकड़ जमीन पर किया जाएगा, बाकी की शेष जमीन पर ग्रीन एरिया डेवलप किया जाएगा। डेंगू के कहर के बीच 4 विभागों के 15,000 कर्मी संभालेंगे मोर्चा। बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी के निर्देश के बाद विभिन्न विभागों ने समन्वय बनाकर डेंगू से मुकाबला करने की दिशा में पहल शुरू कर दिया है। बिहार में डेंगू के मच्छरों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए 4 विभागों के 15,000 कर्मियों द्वारा दवा छिड़काव का मोर्चा संभाला जाएगा। ये कर्मी मच्छर और उनके लार्वा को पनपने से रोकने के लिए डेंगू रोधी दवा मालाथियोन का छिड़काव करेंगे। 4 जिला पटना, गया, वैशाली और नालंदा में विशेष रूप से डेंगू नियंत्रण को लेकर कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति परिसर में डेंगू नियंत्रण को लेकर 104 कॉल सेंटर लगातार 24 घंटे काम कर रहा है। कृषि विभाग और वन एवं पर्यावरण तथा नगर विकास विभाग के तहत विभिन्न नगर निगमों में तैनात छिड़काव कर्मी इस मुहिम में शामिल किए गए हैं। बिना लिखित परीक्षा के इन पदों पर भर्ती ले रहा है पंचायती राज विभाग। नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर है। बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग के लिए ऑडिटर के पद के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2022 है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। इसमें आपको कोई लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। आवेदनकर्ताओं का चयन इंटरव्यू एवं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इन रिक्त पदों से जुड़ी सभी जानकारी एवं नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ऑडिटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता पास विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री होनी चाहिए।
रबी फसल की खेती के लिए मौसम हो रहा अनुकूल। देश के कई राज्यों से मॉनसून वापस जा चुका है। उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला खत्म हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 17 अक्टूबर 2022 को बिहार समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस बीच बिहार में सुबह और शाम सर्दी बढ़ गई है। दिन में धूप के कारण तापमान सामान्य रहता है, पर ग्रामीण इलाकों में रात में ठीक ठाक सर्दी महसूस की जा रही है। पछुआ हवा के प्रभाव से वातावरण शुष्क हो रहा है। रबी फसल की बुआई के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है। रिक्शा चलाते हुए आम्रपाली दुबे की तस्वीरें हुई वायरल। भोजपुरी सिनेमा की बोल्ड एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे हमेशा अपने लुक से अपने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ाती रहती हैं। इस बीच उनकी कुछ नई तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो कि वायरल हो रही हैं। दरअसल उनका यह फोटो भोजपुरी फिल्म विद्या का है, जिसमें आम्रपाली दुबे नजर आएंगी। फिल्म विद्या का फर्स्ट लुक रविवार को आउट हुआ। नारी सशक्तिकरण पर आधारित इस फिल्म के निर्माता संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल हैं। निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं, जो कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। हाई आईक्यू एंटरटेनमेंट के एसोसिएशन में बी फॉर यू मोशन पिक्चर्स प्रस्तुत फिल्म विद्या आम्रपाली दुबे की महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है। दिवाली से पहले पटाखा कारोबारियों के दुकान पर छापा। दिवाली से पहले बिहार के 13 पटाखा कारोबारियों के दुकानों पर छापा मारा गया है। वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में 13 पटाखा व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की और 5 करोड़ रुपए का पटाखा जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार डेटा एनालिटिक्स के आधार पर व्यवसायियों को चिन्हित करने के बाद भागलपुर, दरभंगा, औरंगाबाद, गया, सासाराम, पटना, रक्सौल, किशनगंज, शाहबाद, गोपालगंज में 1-1 तथा मुजफ्फरपुर में 3 यानी कुल 13 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। विभाग की आयुक्त सह सचिव द्वारा बताया गया कि निरीक्षण के क्रम में पाई गई अनियमितताओं के विरुद्ध कानून के अनुसार दंड लगाया गया है। ट्रांसपोर्ट गोदाम के मामले में करदाताओं के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल सेल्फ मोड बैंकिंग के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। डिजिटल बैंकिंग यूनिट खुल जाने के बाद अब बैंक में खाता खुलवाने और लोन आवेदन से लेकर बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग यूनिट पर ये तमाम सुविधाएं मिलेंगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट के उद्घाटन समारोह में बिहटा के राघोपुर में बने डिजिटल सेल्फ मोड बैंकिंग के तहत जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटियों को बड़ी सौगात दी है। जहां पूरे देश में 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की गई है, इस बैंक को पूरी तरह बेटियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इसकी शुरुआत होने से सभी वर्ग के लोगों को फायदा होगा। सुधाकर सिंह ने मंत्रियों को बताया रबर स्टाम्प। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। अपने गृह जिले कैमूर के हाटा में खरवार समाज द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकार की नज़र में मंत्री चपरासी रबर स्टाम्प है। विभागीय सचिव फाइल लाकर देता है तो स्थिति यह है कि मंत्री डर से साइन कर देता है। मंत्री को हमेशा यह डर लगा रहता है कि साइन नहीं करेंगे तो मास्टर साहब नाराज हो जाएंगे। खरवार समाज के लोगों ने पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के माध्यम से खरवार जाति को आदिवासी का दर्जा दिलाने की मांग की है, जिस पर सुधाकर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि खरवार समाज को निश्चित रूप से आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर विरोधियों ने फेंकी सब्जियां। जदयू द्वारा शहर के ऐतिहासिक किला मैदान में आयोजित सद्भावना बढ़ाओ देश बचाओ सम्मेलन में भाग लेने बक्सर पहुंचे जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बक्सर में जदयू कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। शहर के ज्योति चौक पर कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को काला झंडा दिखाया और गो बैक के नारे लगाए। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा समेत दर्जनों जदयू के नेता के काफिला पर प्रदर्शनकारियों ने बैंगन और भिंडी सब्जियां फेंकी और विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, जिसमें उन्होंने भाजपा को भी निशाना बनाते हुए लिखा कि किला मैदान बक्सर भाजपा की पाखंडी, घिनौनी, समाज तोड़क एवं सामाजिक न्याय विरोधी राजनीति के खिलाफ पार्टी द्वारा आयोजित सद्भावना बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम में। मोदी शाह के घर में चुनाव लड़ेंगे मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। हमने गुजरात का दौरा किया है, वहां संगठन हमारा काम कर रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि यदि कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती है तो हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा हम अलग चुनाव लड़ सकते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान मांझी ने कहा कि कच्छ के इलाके से 2 दिन में 200 लोगों ने मुझसे मुलाकात की और कहा कि उनकी पार्टी गुजरात में भी चुनाव लड़े। इस दौरान उन्होंने साफ
किया कि वो गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि इससे पहले मांझी की पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ चुकी है। नीतीश ललन से 100 गुना बेहतर समाजवादी हैं उपेंद्र कुशवाहा। भाजपा और जदयू में सियासी उठापटक जारी है। इस बीच जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि पहले बीजेपी अछूत थी, जदयू ने भी भाजपा को छूत बनाया। इसके बाद बिहार बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा पर प्रहार किया है, साथ ही चुटकी भी ली है। बीजेपी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा तो नीतीश कुमार और ललन सिंह से 100 गुना बेहतर समाजवादी हैं, लेकिन वे नीतीश की ठगी के शिकार हो गए हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि क्या उपेंद्र जी शिक्षा राज्य मंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार में गंगा नहाने गए थे। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान उनकी कुंठा को अभिव्यक्त करता है। आज होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान। कांग्रेस पार्टी के तकरीबन 137 साल के इतिहास में छठी बार यह तय करने के लिए आज चुनावी मुकाबला होगा कि कौन पार्टी के इस अहम पद की कमान संभालेगा। इसके साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ने पर 24 वर्ष के बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच की सियासी लड़ाई बेहद ही दिलचस्प है। मालूम हो कि ये दोनों ही नेता ने 2017 में राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल करने से इनकार कर दिया था और सर्वसम्मति से राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी। इससे पहले साल 2000 में सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था, जहां सोनिया गांधी भारी अंतरों से जीत दर्ज की थी। अगले आईपीएल सीजन में नीलामी पर्स की राशि में हो सकती है बढ़ोतरी। आईपीएल का 16वां सीजन 2023 में है और इसके लिए तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। यही नहीं, आईपीएल 2023 के लिए नीलामी की तारीख भी सामने आ गई है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक ये नीलामी 16 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु में आयोजित की जा सकती है। वहीं अगले साल मार्च के आखिरी हफ्ते से आईपीएल 2023 की शुरुआत भी हो सकती है। यही नहीं, कोरोना का प्रकोप खत्म होने के बाद पहली बार 3 साल में होम अवे प्रारूप की वापसी भी होगी। वहीं 16वें सीजन में फ्रेंचाइजियों की पर्स की राशि बढ़ने वाली है। आईपीएल 2023 के लिए यह 95 करोड़ रुपए हो सकती है, यानी पिछले सीजन की अपेक्षा इसमें 5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय ईसाई महिला संत सिस्टर यूप्रासिया का जन्म 1877 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी सारंगधर दास का जन्म 1887 में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार दूधनाथ सिंह का जन्म 1936 में हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री अस्मिता पाटिल का जन्म 1955 में हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अनिल कुंबले का जन्म 1970 में हुआ। हिंदू धार्मिक नेता थे, जो अत्यधिक व्यक्तिगत और काव्यात्मक ढंग के व्यवहारिक वेदांत को पढ़ाने के लिए विख्यात स्वामी रामतीर्थ का निधन 1906 में हुआ। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वायरल खबर में आज बात होगी चीन द्वारा भेजे जा रहे घातक सजावटी सामानों के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज बात होगी चीन द्वारा भेजे जा रहे घातक सजावटी सामान के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि व्हाट्सएप पर गृह मंत्रालय के कथित अधिकारी के नाम से वायरल एक फर्जी मैसेज में दावा किया जा रहा है कि चीन भारत में अस्थमा फैलाने के और नेत्र रोग उत्पन्न करने के लिए विशेष किस्म के पटाखे और सजावटी लाइट्स भेज रहा है। पीआईबी ने आगे लिखा है कि गृह मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है, ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने से बचें। डिजी लॉकर ने दिए ये शानदार फीचर्स। डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके लाखों भारतीय अपने ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट और वाहन पंजीकरण जैसे अन्य डॉक्यूमेंट्स को सेव कर रहे हैं। ऐसे में डिजी लॉकर ने खुद में कुछ नई सुविधाएं जोड़ी हैं। डिजी लॉकर सेवा ने जो सुविधा शुरू की है वो देश में सीनियर सिटीजनों की मदद करेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पिछले कुछ समय से पेंशन सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बुजुर्गों को पेंशन प्रमाण पत्र जारी किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कृष्ण मुरारी यादव, शशि रंजन कुमार, राजीव कुमार, ओमकार सिंह, शंकर मुखिया, ब्रजेश कुमार, नियाज आलम, रामजी यादव, सरिता पासवान, अपू यादव, कृष्णा मेहता, कुलदीप कुमार और धनंजय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि डेंगू से बचने के लिए आप अपने स्तर पर क्या उपाय कर रहे हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।